संतु, वो जो हीरोइन है पिंकी, जो लापता है, उसका सामान जो हम तुमको दिए थे, उसका कुछ सुराग मिला तुम्हें? हाँ जी मैडम, पिंकी के फोन से उसकी जो फोटोज और चैट्स मिले ना, उसे साफ साफ पता चल रहा है कि उसका और आर्या कपूर का बहुत ही सीरियस रिलेशन चल रहा था। अच्छा, एक मिनट मैडम, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई। मैडम, पिंकी के होटल रूम से जो गोलियां मिली थी वो, और यहाँ पर जो विलन पे गोलियां चली थी, वो दोनों का बैच सेम है। हमको लगता है ये जो आर्या कपूर है ना, ये सब फसाद का जड़ है, हमको ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ मैडम, हमने भी नोट किया है। संतु देखो, कितना बड़ा वाला है वो तो हम सबको पता है कि सब पे लाइन मारता रहता है, और तुम पे खासकर बहुत मेहरबान हो रखा है, तो तुम इस बात का फायदा उठाओ। तुम उससे नजदीक आओ, हाँ, तुम उससे बात करो और उसके दिल की बात जानने का कोशिश करो। ये बहुत जरूरी है और ये बहुत महत्व है हमारे लिए, समझो, करोगी तुम? हाँ हाँ जरूर। इसमें इतना खुश होने वाला क्या बात है संतु जी? हाँ हाँ, तुझे क्या पता है, ऐसे अंडरकवर मिशन में मुझे कितनी एक्साइटमेंट होती है। संतु, हमको ऐसा लगता है कि तुम काम ये बहुत अच्छा करोगी। हमें पता है तुम आर्या कपूर से ऐसा कोई सुराग जरूर निकालोगी जो इस पूरे गुत्थी को जो है ना सॉल्व कर देगा। हमें पूरा विश्वास है तुम पे। एन एक्शन। क्या बात है बेबी, पार्टी के लिए लेट हो रहा है और तुम तैयार नहीं हुई अब तक? बेबी, मैं, मेरा मन नहीं है। क्या हुआ, क्या है? दरअसल बात यह है कि मैं गैस? नहीं नहीं बेबी, गैस नहीं। मैं माँ बनने वाली हूँ राज। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे सबका होता है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? डॉक्टर से चेक करवाया है राज, ये तुम्हारा बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब क्या होगा मेरा, मेरे इस बच्चे का, मैं क्या करूंगी अब? कैडेट, सुपर 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 सुपर, क्या एक्टिंग किया है, वाह वाह वाह, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब चलो चलो, नेक्स्ट शॉट की तैयारी करो। बिल्ले बिल्ले बिल्ले, माँ क्या? माँ मत कहो हमें, माँ माँ कहते हो, तुम्हारी माँ इतनी मुश्किल में है और तुम घोड़े बेच के सो रहे हो। आपकी मुश्किल मेरी मुश्किल, टेंशन मत लेना माँ। कैसे टेंशन ना ले, अगर वो असली मुजरिम पकड़ा नहीं गया तो? पकड़ा जाएगा माँ, पकड़ा जाएगा, और अगर नहीं पकड़ा गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? देखो, आपने गुलशनपुरी पे हमला किया है तो उसका केस चलेगा, और बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर, 7 साल अंदर। माँ, अगर वो निकल लिया तो फांसी या उम्र कैद। नहीं, हमें नहीं मरना भरी जवानी में, नहीं मरना हमें। ना माँ, माँ नहीं मरूंगी, पता भी नहीं चलेगा, यूं कट जाएगी उम्र कैद। नहीं, हमें नहीं रहना जेल में। हाँ? हमें नहीं रहना जेल में। मैडम, शॉट रेडी है। अरे वाह, आप तो 5 मिनट बोलकर सच में 5 ही मिनट में आ गए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। संजय जी, बैठिए, प्लीज सिट। थैंक यू मैडम। एक बात बताऊं आपको, आप सच में बहुत ही मेहनती इंसान है, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आज के बाद मैं जो भी फिल्म करूंगी ना, आप ही के साथ करूंगी, क्या कहते हैं? थैंक यू। पर बस अफसोस ये है कि आपने अच्छे खासे प्लान पर पूरा पानी फेर दिया। क्या किया मैडम मैंने? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, वो जो गुलशन वाली गन है उसके अंदर गोलियां आपको चेंज नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, वो जो पुलिस वाली है ना, जो ये सब हैंडल कर रही है, उसके पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि जिस कमरे में गन रखी है उस कमरे में आप गए हैं, तो अब तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। अरे मैडम, अच्छी बात है ना, सीसीटीवी कैमरा देखेंगे ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं इनोसेंट हूँ मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, उन्हें पता चल जाएगा। अच्छा, अच्छी बात है फिर तो, जाइए। मैडम, वो आपका शॉट रेडी है। हाँ हाँ, बोला ना, आती हूँ, जाइए। ये तो बेकसूर निकला। अब
एक बात करनी थी आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो ना। और वैसे भी मैं खूबसूरत लड़कियों की किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? हमारा ये प्यार आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि करिश्मा मैडम ने वो सीसीटीवी फुटेज देख ली है जिसमें गन से गोलियां बदली जा रही थी वो, और उसमें आप भी हो और आपको भी देख लिया उन्होंने। वो इनफैक्ट आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट लेने ही गई है। क्यों किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। मैं अभी आता हूँ। क्या बोलती पब्लिक? डायरेक्टर और प्रोडक्शन वाला दोनों इनोसेंट थे, दोनों ने कुछ नहीं किया, ये सारा किया धरा इसका है। हाँ संतु बोलो। मैडम ये सारी गोलियां जो है ये आर्या कपूर ने बदली है। जब मैंने उसे पूछा तो थोड़ा सा बौखला गया था, नर्वस था, साफ साफ कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ये सारा किया धरा इस आर्या कपूर का ही है। तुमने ना मुख्य संदिग्धों की सूची में एक और नाम ऐड कर दिया, इस आर्या कपूर पे जो है ना तुम नजर रखना, ठीक है? जी जी। देखिए आपने जो पिंकी जी के रूम के बाहर के कैमरे का फुटेज हमको दिखाया है उसमें वो तो ना अंदर आते हुए दिखी है ना बाहर जाते हुए दिखी है। आपके स्टाफ का मेंबर जरूर अंदर जाते हुए हमें दिख गया है, तो मैं उनसे पूछताछ करना, मैं पूछना हूँ क्या करने गए थे। वो सामने ही है। बब्बन इधर आओ। जी सर। मैम तुमसे कुछ पूछना चाहती है। पिंकी जी के रूम में कल आप गए थे? जी मैडम। उन्होंने बुलाया था इसलिए गए थे या खुद की मर्जी से चले गए थे? और जब गए थे तो क्या वो अंदर थी? बाबू बब्बन तुम सकल से क्रिमिनल नहीं बकलोल मालूम पड़ रहे हो इसलिए समझा रहे हैं। इनका इंट्रोडक्शन ना पर्सनल लेवल पर दे रहे हैं। ये करिश्मा मैडम है, इंस्पेक्टर है, मारना शुरू करती है रुकती नहीं है, समझ रहे हो? एकदम जान निकाल के तब छोड़ेंगे। चुपचाप बता देना यार जो पूछ रही है। पिंकी मैडम ने मुझे 5,000 रुपये दिए थे, अपना बैग मोबाइल और गोलियां रूम में रखने के लिए कहा था, और कहा था इस बात को किसी को पता ना चले। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। पैसों के लिए कुछ भी कर जाओगे क्या तुम? हाँ तुमको अक्ल नहीं है क्या बिल्कुल भी? ये अपने लालच पे है ना थोड़ा सा अंकुश लगा लो। भैया बता रहे हैं, तो लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ तुमने दोबारा किया ना खाने की हवा खिलाएंगे तुमको। जाओ चलो। चलो तुम मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें। आओ जा रे, जा जा जा। चीते हमको लग रहा है ना संतु एकदम सही कह रही है, सारे फसाद का जड़ वो आर्या कपूर लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ी है मैडम, पकड़ लिया। मेन कल्प्रिट आर्या कपूर है मैडम, पर्सनल लेवल पर हमारा सिफारिश है, सिफारिश लगवा रही, फांसी दिला दी आर्या कपूर ही मेन कल्प्रिट है। आराम से। सॉरी 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 मैडम। हर जगह अपना पर्सनल मत घुसा दिया। देखिए मेहरा साहब, मैं पहले ही आपको सब कुछ सच सच बता चुका हूँ। आप मेरे वकील हैं, आपसे झूठ बोलने का क्या मतलब? अब बताइए सब कुछ जाने के बाद अभी क्या राय है, मुझे क्या करना चाहिए? जी ठीक है जी, फिलहाल मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा जी। अरे कहाँ हो आर्या? अरे अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो गेंडा डायरेक्टर सर आपको ढूंढ रहे हैं बहुत देर से, जाइए जल्दी, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। हाय मम्मी, क्या जरूरत है इतने हील्स पहने के, चलने को नहीं हो रहा है तो आप ठीक तो है? आपको कुछ डरी तो नहीं ना? नहीं। अब करिश्मा मैडम, मैंने अभी अभी इस कपूर को अपने वकील से बात करते हुए सुना, वो कह रहा था कि सब सच सच बता दिया, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कैसे नहीं बताएगा? उसका बाप भी बताएगा, इसकी मैया की सासू मैया बहुत अच्छे से आता है हमको ऐसे अड़ियल घोड़ों से ना उनका मुंह खुलवाना, बहुत अच्छे से आता है। अरे वो कोई राह चलता आदमी नहीं है कि दो कंटाप लगा लिए और उसे सारा सच उगलवा दिया। अरे बड़ा नाम है, बड़ा हीरो है, वो ऊपर तक पहुंच हो सकती है उसकी। अगर बिना सबूत के आपने उसको दबोचा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। अब आप ही तय कर लीजिए, आपको अपना भौकाल दिखाना है या हमें जेल जाने से बचाना है। एक मिनट। पुष्पा जी क्या हो गया आपको? आप शांत हो जाइए, सबसे पहले शांत हो जाइए। आप इतना काहे घबरा रही हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम हैं ना,
हम कुछ नहीं होने देंगे और हम बिल्कुल भौकाल नहीं दिखाएंगे, हम आपको वादा करते हैं। हम पहले तहकीकात करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए। पक्का ना? पक्का। मैडम मैडम, पिंकी ने अभी अभी अपनी मेल आईडी से किसी और को मेल भेजा है। आईपी एड्रेस फिलहाल गोमती नगर के आसपास का दिखा रहा है। अगर थोड़ी देर और अगर वो इंटरनेट पे रही ना तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती हूँ उसकी। बहुत बढ़िया बात है, ये अभी जाके दबोचते हैं उसको। ये चाबी हमारे हाथ आ जाएगा ना तो सारे ताले खुल जाएंगे कि जहाँ हीरोइन वहाँ विलन। रोल कैमरा। राज, मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये बच्चा रखूंगी। फॉर गॉड सेक सानिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। तुम बार बार ये बात दोहराना बंद करो बस। सुपर सुपर शॉट, ब्यूटीफुल शॉट मैन, तालियां तालियां। चलो नेक्स्ट शॉट, नेक्स्ट शॉट, नेक्स्ट शॉट। चलो शॉट नहीं, ब्रेक, मैडम का ब्रेक है। ओ, मेरा खाना आ गया। नहीं, हम जेल का खाना नहीं खाएंगे। क्या? किसी कुछ पे ये जेल का खाना थोड़ी ना है, 22 साल का खाना है। हम जेल का खाना नहीं खाएंगे। जी हमें पिंकी कपूर से मिलना है। बेटा यहाँ कोई पिंकी कपूर नहीं रहती। हमारे पास सर्च वारंट है, हम किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हैं। आप देख सकती हैं, लीजिए। अरे आपको यहाँ नहीं, हमें देखना पड़ेगा। आपको यहाँ तलाशी लेके क्या मिलेगा? मैं कह रही हूँ ना, यहाँ कोई पिंकी कपूर नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तो ठीक है ना, हमें तलाशी करने दीजिए ना, हमारी तसल्ली के लिए। उसमें आप हमें काहे रोक रही है। मैडम आपने वो कहावत नहीं सुनी है, ना घर ना बच्चा, नींद पड़े अच्छा। आपके बालों में मकड़ी? हाँ, अरे हटाइए हटाइए उसको, कहाँ है ये सब मेकअप का सामान, ये लड़कियों के कपड़े, तुम्हारे ये नकली बाल? सबको लग रहा है तुम्हारा अपहरण हो गया है, सब वहाँ पगलाए हुए हैं और तुम यहाँ पता नहीं कौन सा स्वांग रच रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, समझाओगी हमको? मेरे पास ना कोई और रास्ता नहीं था, मैंने जो भी किया मजबूरी में किया। कौन सा मजबूरी? बदनामी के डर से। आर्या कपूर और मैंने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं और उसी दौरान मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन बहुत जल्द मुझे ये भी पता चल गया कि आर्या कैसे कैरेक्टर का इंसान है। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, उन्हें धोखा देना, वो उसका शौक है। मैंने फैसला कर दिया कि मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। लेकिन 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 उसके पास हमारे कुछ पर्सनल वीडियोज हैं। उसे जैसे ये बात पता चली कि मैं उससे दूर जाने का सोच रही हूँ, उसने मुझे धमकी दी कि वो वीडियोज वायरल कर देगा। मैं बहुत डर गई थी मैडम। समझ रहे सब। तुम एक काम करो, तुम पहले बैठो 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 बैठो। तुम हमको एक बात बताओ कि जब ये प्रॉब्लम था तो तुमने ये मूवी काहे की? उसने जबरदस्ती कहा मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। बार बार मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। मैंने 6 गोलियां खरीदी ताकि मैं खुद को शूट करके अपनी जान दे सकूं। एक मिनट, 6 नहीं, 3 3 गोलियां बरामद हुई है। अगर 6 है तो बाकी 3 किधर है? वो भी चोरी हो गई। चोरी हो गई? जब मुझे पता चला ना कि शूटिंग स्पॉट पे गन में से नकली गोलियां निकालकर असली गोलियां लोड कर दी गई हैं और उसी से गुलशनपुरी पर जानलेवा हमला हुआ है, तब मुझे क्लिक हुआ। हो ना हो ये चोरी उसी वजह से हुई है। तुम्हारा अंदाजा एकदम सही है। गुलशनपुरी पे जो हमला हुआ है ये गोलियां वही थी। तुमको कुछ भी किसी पे डाउट है जो ऐसे घटिया हरकत कर सकता है? नहीं मैडम, मैं पहले ही इस बारे में सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। जो जरिया था मुजरिम तक पहुंचने का वो हमारे हाथ से निकल गया है। वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें हमारे जो प्राइम सस्पेक्ट थे सब की सब टोपा इंसान पीट करके खड़े हैं। अब कहां तक कैसे पहुंचे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमको कहां झटके लगते रहते हैं बीच बीच में? मेरी आई बचपन में कहावत बोलती थी, वो ऐसे याद आ गई मेरे। कौन सा कहावत बोलती थी? चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम्हारे इस कहावत से हमको बहुत कुछ सूझ गया। क्या सूझा? देखिए, बच्चा
हॉस्पिटल से फोन आया, बहुत खून बहने की वजह से गुलशनपुरी का देहांत हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी उस कमरे में हमारे साथ था जो हमें छेड़ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये मर चुका है तो फिर अंदर कौन था हमारे साथ? उसका भूत? कहीं इसका भूत तो नहीं था, इसकी आत्मा तो नहीं थी जो अपनी मौत का बदला लेने आई हो? अरे क्या बात कर रही है आप, भूत भूत होता है क्या? वो पक्का गुलशनपुरी की आत्मा ही थी, क्योंकि वो हमसे कह रही थी वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। और वो हमसे ये भी कह रहा था कि वो जानता है जिस पिस्तौल से उस पर गोली चली उस पिस्तौल में असली गोलियां किसने भरी। और वो ये भी जानता है कि कौन उसे जान से मारना चाहता था। कौन 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 है, कौन मारने की कोशिश कर रहा था? पुष्पा जी, नहीं बताया उसने। मतलब नहीं बताया इसलिए क्योंकि वो बताने की कोशिश कर रहा था मगर हम तो डर गए थे ना, हम डर के मारे भाग आए। और हाँ, मेकअप रूम के बड़े से शीशे पर लिखा था कि मैं अपने खून का बदला जरूर लूंगा, और वो भी असली खून से लिखा था। लेकिन पुष्पा जी, हम लोग भूत को कैसे पकड़ेंगे? अरे हम लोग तो पुलिस है ना। ये भूत को पकड़ने के लिए कोई ऐसा तांत्रिक वगैरह को बुलाना पड़ेगा जिसको भूत को पकड़ने का विद्या आता हो, तंत्र मंत्र आता हो। तो तुम जानते हो किसी ऐसे इंसान को? जानते हैं मैडम, आप कहें तो हम फोन लगाएं, उसको बुलाएं। हाँ हाँ, तुरंत तुरंत तुरंत। आ गया बाबा, गुरु घंटाल बाबा आ गए। बाबा मधुसूदन बाबा, आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया गया कि बहुत भयंकर पिशाच यहाँ पर घूम रहा है। हम बाबा चश्मो भूत देखने का प्रोसेस करता है। हमको भूत दिखाई दिया है, उसका होलिया दिखाई दिया है, वो मेल है कि नहीं? उसका थोड़ा थोड़ा दाढ़ी है, थोड़ा थोड़ा बुच्छा भी है, उसका नाम जीश है। अरे हाँ, गुलशन रसगुल्ला का बोरी बीच में बोला, हमको ढूंढना है गुलशन। गुलशन गुलशन भूत खिलाई जा, लेकिन ये भूत क्या चाहता है हमको मालूम नहीं, वो मालूम करना पड़ेगा। भाई तोरा हतर वाली सटी सटी गोल्डन चेन दिए जाबेन जाबेन तुम्हारा सामान सामान, कच्चा पक्का भूत पकड़े। हमको पता चला है भूत क्या चाहता है। क्या चाहता है? भूत इंटरकॉम चाहता है, बदला चाहता है, रिवॉन चाहता है। अरे हाँ, वो एक्टर है ना, मतलब रिवेंज चाहता होगा। नहीं बाबा, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये भूत जबरदस्ती में किस करना चाहता है। एक मिनट पुष्पा जी, आप जितना बार बताइए भूत से ज्यादा तो आप उसको किस करना चाहती हैं? बुढ़ी बेबी, हम भूत निकालेगा, जरूर निकालेगा, हमारे पास इलाज है। क्या 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 इलाज है, क्या इलाज है बताइए। बुढ़ी बाबा, ये भूत है, ये भूत का सेवन करेगा तो भूत का प्रकोप कम हो जाएगा। ये भूत ले लो, भूत का सेवन करो, ले लो। बुढ़ी बेबी, भूत का प्रकोप कम हो जाएगा, खाने का भूत। सब अपने प्लान के चक्कर में आ गए हैं, ऐसे ही चला तो असली विलन सबके सामने होगा।